हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको एंजल इन्वेस्टर्स के फॉलोअप्स लेने जिससे आप डील को क्लोज कर पाओ। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने एक बार ईमेल सेंड कर दिया, एक बार एंजल इन्वेस्टर से बात कर ली, अब बस एंजल इन्वेस्टर आके उनकी कंपनी पैसा डालेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए एंजल इन्वेस्टर आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा। वो आपकी कंपनी में अपना पैसा लगा रहा है, इक्विटी आपकी कंपनी से ले रहा है, बट उसका पैसा डूब गया तो उनको चाहिए होती बहुत ज़्यादा श्योरिटी कि इस पर्सन में हम बैट कर रहे हैं, इस पर्सन में हम पैसा लगा रहे हैं, तो ये आउटपुट लेकर ही आएगा डेफिनेटली। इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स इस चीज़ को देखते हैं कि हमने कितने टाइम्स उनका फॉलोअप लिया है, कैसे लिया है, कैसे उनको अप्रोच करा है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ रितेश अग्रवाल जी की, जो ओयो कंपनी के फाउंडर है। क्या आपको पता है, जब उन्होंने पहली कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई करा था ना, तब उन्होंने अपने पहले एंजल इन्वेस्टर्स का 48 टाइम्स फॉलोअप लिया था। जी हाँ, 48 टाइम्स फॉलोअप। अब एंजल इन्वेस्टर को उनका बिजनेस तो समझ में नहीं आया, बट उनके इस फॉलोअप को देखते हुए, उनकी इस लगन को देखते हुए एंजल इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो देखिए फॉलोअप्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन्वेस्टिंग के अंदर। आपको कंटिन्यूसली फॉलोअप लेते रहना पड़ेगा अपने एंजल इन्वेस्टर्स का, जिन जिनको आपने पिच करा है। मैं ये नहीं कहता कि 1000 लोगों को पिच करो, 20 लोगों को पिच करो, बट जिन 20 लोगों को पिच कर रहे हो ना, उनका कंटिन्यूसली फॉलोअप लो। फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि फॉलोअप्स लेने कैसे। देखिए जैसे ही आपकी पहली मीटिंग हो ना, फर्स्ट फॉलोअप जाएगा 12 घंटे के अंदर अंदर ईमेल के ऊपर। ईमेल के ऊपर वापस से उनको पूरी पिच डेक जो आपने उनको दिखाई है वो शेयर करो, इंपॉर्टेंट मीटिंग के पॉइंट्स जो डिस्कशन हुए उसको शेयर करो। हो सकता है इन्वेस्टर ने आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हो, उस समय आपके पास आंसर नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, बट आपने उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से ढूंढा और उसको ईमेल के अंदर फ्रेम करा और उसको सेंड कर दिया। उसके बाद हर 3 से 5 दिन के अंदर इन्वेस्टर का फॉलोअप लेते रहो। अब फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि आप बैठ गए, आप सिर्फ उसका फॉलोअप ले रहे हो, ईमेल के ऊपर डाल रहे हो कि सर फंडिंग कब दे रहे हो, फंडिंग कब दे रहे हो, फंडिंग कब दे रहे हो, ये नहीं करना है। आपको कंपनी के प्रोग्रेस बताने, आप क्या क्या करते जा रहे हो, क्या आपके प्लान से, कितना आपने प्रोग्रेस करा है, सेल्स करा है, रेवेन्यू जनरेट करा है, वो सब ईमेल के फॉलोअप्स के अंदर डालो। उससे इन्वेस्टर इंप्रेस होगा कि भले ही मैंने इसको फंडिंग नहीं दी, बट ये खुद लगा रहा, खुद ये 10 लाख के रेवेन्यू पे था जब मेरे पास आया था, आज ये 1 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गए, तो उनको लगेगा बंदे में बात है, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, दुनिया में ना सिर्फ 1 से 2% लोगों को ही फर्स्ट राउंड के अंदर, मतलब फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही एंजल इन्वेस्टर से पैसा मिल जाता है, बाकी 98% एंटरप्रेन्योर्स को कंटिन्यूसली फॉलोअप लेना पड़ता है, इन्वेस्टर्स के पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके उनको इन्वेस्टिंग मिलती है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। अब एंड के अंदर मैं आपके लिए एक बोनस चीज भी लेकर आया हूँ। देखिए हमने आपके लिए अलग से 20 एंजल इन्वेस्टर्स की लिस्ट निकाली है जो कंटिन्यूसली स्टार्टअप्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आप इन एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हो और अपने भी स्टार्टअप के अंदर फंडिंग को रेज कर सकते हो। अब मेरा एसोसिएट आपको उन 20 एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉप 20 एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, उनके बिजनेसेस के बारे में, और आप उनको कैसे अप्रोच कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन जो ये टॉप 20 एंजल इन्वेस्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और ये आपके स्टार्टअप्स में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे जो पहले एंजल इन्वेस्टर हैं वो है राजा नानंदन जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिकोवा कैपिटल्स के, और इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करा है, जैसे कि मैकेंजी, डेल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, और इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है जो कि हैं डंजो, अन अकेडमी, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज एंड लियोसिडिस। बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आपका स्टार्टअप एक टेक बेस्ड स्टार्टअप है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। आप इनको अप्रोच करने के लिए लिंक्डइन पे जाएं, इनकी प्रोफाइल को सर्च करें, वहाँ इनको मैसेज करें, तो या आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सेकंड एंजल इन्वेस्टर हैं वो है सुनील कालरा जी, जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं वाया प्रोजेक्ट्स के, और इन्होंने अभी तक 100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है फ्रेंड्स। और कुछ स्टार्टअप जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो हैं ल्यूसिडिस, एड पुशअप, सिमसिम एंड कारमेसी। फ्रेंड्स, अगर आपका स्टार्टअप टेक बेस्ड स्टार्टअप्स है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। आप लिंक्डइन पे जाएं, इनको मैसेज करें, अपना आइडिया बताएं
और आप कैसे आगे अप्रोच कर रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो इनसे डिस्कस करें। हमारे थर्ड एंजल इन्वेस्टर हैं मिस्टर संजय मेहता जी, जो कि फाउंडर हैं एक VC फर्म के 100X VC, और इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है फ्रेंड्स, जैसे ओयो, बॉक्सइट एंड लॉजी नेक्स्ट। अगर आपका स्टार्टअप एक टेक बेस्ड स्टार्टअप है, अगर आप टेक्नोलॉजी में कुछ नया कर रहे हैं, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। जो हमारे फोर्थ एंजल इन्वेस्टर हैं वो है मिस्टर रतन टाटा जी। आप सभी को पता है रतन टाटा जी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेरी रेप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एन एंजल इन्वेस्टर, और इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कराए फ्रेंड्स, जैसे कि अर्बन कंपनी, ओला कैब्स, अर्बन लेडर एंड कार देखो। फ्रेंड्स, इनको आप मेल के थ्रू इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनको वहां से अप्रोच कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमारे जो फिफ्थ एंजल इन्वेस्टर हैं वो है कुणाल शाह जी, जो कि फाउंडर हैं क्रेड के, और ये भी बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये भी टेक सेवी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट करा है वो है अन अकेडमी, अवेल फाइनेंस एंड स्पिनी। आप इनको भी लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू इनको अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे जो सिक्स एंजल इन्वेस्टर हैं फ्रेंड्स, वो हैं बिनी बंसल जी, जो कि एक को फाउंडर भी हैं फ्लिपकार्ट के, और इनको पोस्टर चाइल्ड ऑफ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, और इनके कुछ मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स हैं रुपीक, एको, सिंगल टपल एंड क्योरफिट। आप इनको भी लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ जाके इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने स्टार्टअप के बारे में बता सकते हैं और इनसे डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो सेवन्थ एंजल इन्वेस्टर हैं वो है कुणाल बहल जी, जो कि एक को फाउंडर भी रह चुके हैं स्नैपडील के, और इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है फ्रेंड्स, और इनके कुछ प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स हैं शेडोफएक्स, लेट्स वेंचर, मो एंगेज एंड खाता बुक। आप इनको भी लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप टैग बेस्ड स्टार्टअप है, या अगर आप सोशली कुछ अलग कर रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल अप्रोच करिए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो एट्थ एंजल इन्वेस्टर हैं वो हैं अनुपम मित्तल जी, जो कि फाउंडर हैं पीपल्स ग्रुप के, विच कंसिस्ट ऑफ कंपनीज लाइक शादी.com, मकान.com एंड मौज मोबाइल, और ये आज तक 50 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं स्टार्टअप्स में, और इनके कुछ मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट करा है वो है ओला कैब्स, ध्रुवा, स्टे अडोब एंड डेली निंजा। आप इनको भी लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे जो नाइन्थ एंजल इन्वेस्टर हैं वो है मिस्टर रोहित बंसल जी, जो कि एक को फाउंडर भी रह चुके हैं स्नैपडील के अलॉन्ग विद कुणाल बहल जी, और इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है, जैसे कि ओपन सीक्रेट्स, पार्क प्लस, बीरा 91 एंड मामा अर्थ। आप इनको भी लिंक्डइन और ईमेल के थ्रू फ्रेंड्स अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो टेंथ एंजल इन्वेस्टर हैं वो हैं मोहनदास पाई जी, जो कि एक पद्मश्री अवार्ड विनर भी हैं, और जो चेयरमैन हैं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के एंड एरिना कैपिटल के। इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कराए फ्रेंड्स, और मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट इनके जो स्टार्टअप्स हैं जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट कराए वो हैं जूम कार, योर स्टोरी, टोन टैक एंड वर्लूप। आप इनको भी लिंक्डइन के थ्रू और ईमेल के थ्रू फ्रेंड्स अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो 11th एंजल इन्वेस्टर हैं वो है मिस्टर विजय शेखर शर्मा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उनको आयरन मैन ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और इन्होंने भी आज तक मोर देन 25 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है फ्रेंड्स, और इनके कुछ मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स हैं अन अकेडमी, ओपन सीक्रेट, इनोवेट एंड कावा स्पेस। इनको भी आप लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू फ्रेंड्स अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो 12th एंजल इन्वेस्टर हैं वो है राजेश सवने जी, जो कि एक को फाउंडर और CEO हैं एक फूड टेक कंपनी के जिसका नाम है इनर शेफ, और इन्होंने आज तक 80 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है, और इनके भी कुछ प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स जो इन्होंने स्टार्टअप्स में करे हैं वो हैं डॉक्स ऐप में, सिटी मॉल, ओरो हेल्थ एंड हैकर अर्थ में। आप इनको भी लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे जो 13th एंजल इन्वेस्टर हैं वो है मिस्टर आनंद चंद्रशेखरन जी, जो कि एक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं US बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के जिसका नाम है 5-9, और इन्होंने आज तक 50 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करे हैं, और कुछ स्टार्टअप्स जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करे हैं वो हैं यूलू बाइक्स, शेरोस, इनर शेफ एंड टोन टैग।
इनको भी आप लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे 14th एंजल इन्वेस्टर हैं फ्रेंड, वो हैं गिरीश माथुर बूटम, जो कि एक फाउंडर है इंडियन सैस यूनिकॉर्न फ्रेश वर्क्स के, और इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है, जैसे कि है वॉटफिक्स, द कैन, अन अकेडमी एंड इनोवेट। आप इनको भी लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड। जो हमारे 15th एंजल इन्वेस्टर हैं वो है मिस्टर आलोक मित्तल जी, जो कि सीईओ और फाउंडर हैं एक फिनटेक स्टार्टअप के, जो कि है इंडीफाई टेक्नोलॉजीज, और इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है फ्रेंड्स। और कुछ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इनके जो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं पेपर कंटेंट में, विजकी में एंड पेंडो में। आप इनको भी लिंक्डइन की तरह अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे 16th एंजल इन्वेस्टर हैं फ्रेंड्स, वो हैं कृष्ण गोपाल कृष्णन, जो कि एक पद्म भूषण अवार्ड विनर भी हैं, एक फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं एक्सेलरी वेंचर्स के, और उन्होंने भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करे हैं फ्रेंड अभी तक। और कुछ वन ऑफ द फेमस स्टार्टअप्स जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट करा है वो है वदाम टीज, वर्लूप, एको एंड हंगर बॉक्स। आप इनको भी लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, इनको ईमेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे 17th एंजल इन्वेस्टर हैं पनिंदर शामा जी, जो कि सबसे पहले ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एक ऑनलाइन बस टिकटिंग स्टार्टअप चालू करा 2006 में, जिसका नाम था रेड बस। और ये भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एयरमीट, रियो टीवी, अन अकेडमी एंड फ्राई, और इनसे भी आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे जो 18th एंजल इन्वेस्टर हैं वो है अरिहंत पाटनी जी, जो कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, एक इन्वेस्टर और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, और जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं पाटनी फाइनेंशियल एडवाइजरी के। और इन्होंने भी फ्रेंड्स बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है, और इनके कुछ रिकमेंडेड स्टार्टअप्स हैं लीडो लर्निंग, बिहाइव वर्कस्पेस, फ्रेटर्निटी एंड बेबी चक्रा। आप इनसे भी लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे जो 19th एंजल इन्वेस्टर है वो है अपरमेया राधा कृष्णा, जो कि एक कोफाउंडर, एक सीईओ हैं कू के, और इन्होंने भी फ्रेंड बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है। इनके कुछ रिकमेंडेड स्टार्टअप्स जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट करा है वो हैं अन अकेडमी, डेली निंजा, एम पानी एंड द कैन। इनसे भी आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, और अपने स्टार्टअप की फंडिंग के लिए इनसे बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी चीज़ें इनसे आप पता कर सकते हैं। हमारे आज के जो लास्ट एंजल इन्वेस्टर हैं वो है मिस्टर सचिन बंसल जी, जिन्होंने इंडिया की लीडिंग ई कॉमर्स स्टार्टअप चालू करा, जिसका नाम था फ्लिपकार्ट फ्रेंड्स, और इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है, जैसे कि एथर एनर्जी, ओला कैब्स, सिक टपल एंड क्रेजी भी। और इनसे भी आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, अपने आइडियाज़ इनसे शेयर कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स इनसे बता सकते हो कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था सारे एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, और आप इनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स है ना, सुझाव है, तो उसको मन में मत रखो, नीचे कमेंट करो, हर कमेंट का मेरी टीम आपको आंसर देती है, जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आप लोग अपडेटेड रह पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।